बड़ी खबर है कोलकाता रेप मर्डर मामले से जुड़ी हुई। संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सियालदह कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है। दरअसल आज इसकी कोर्ट में पेशी हुई है। सीबीआई की टीम ने संजय रॉय को कोर्ट में पेश किया और उसके बाद इसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त इस मामले को लेकर ये सामने आ रही है। सियालदह कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में आरोपी संजय रॉय को भेजा है और अब एक बार फिर से इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। एक बार फिर से अभी भी चूंकि कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब नहीं मिल पाया और अब इस मामले में फिर से इससे पूछताछ की जाएगी। देव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। देव, खबर मिल रही है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में संजय रॉय को भेजा गया है, अभी क्या अपडेट है? मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बलात्कार हत्या मामले मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोबारा 14 दिन हिरासत में लिया गया है। सीबीआई जैसे आज सियालदह कोर्ट में पेश किए थे संजय रॉय को और मुख्य आरोपी संजय रॉय को फिर से 14 दिन हिरासत में लेने के लिए पूछताछ जारी रखने के लिए क्यों बात के जिक्र करें अगर पूरा बात की संजय रॉय के तरफ से कुछ भी वैसा सेटिस्फाइड आंसर मिल नहीं पाया सीबीआई को और वहां पे जैसे कल मंजूर मिला है सियालदह कोर्ट से पूर्व प्रिंसिपल संदीप को साथ में और 4 ट्रेनी डॉक्टर का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा जिनमें से 2 ट्रेनी डॉक्टर जिनके साथ पीड़िता ने डिनर किए थे उनकी सेमिनार हॉल में फिंगरप्रिंट्स मिला है। सबसे बड़ा खुलासा यह है रिपोर्ट्स के मुताबिक सेमिनार हॉल के अंदर उंगलियों के निशान पाए जाने के बाद पुलिस ने पीजी 2 ट्रेनी डॉक्टर पीजी डॉक्टर को पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी कल मंजूर लिए थे सियालदह कोर्ट। कल सियालदह कोर्ट ने संदीप घोष पूर्व प्रिंसिपल साथ में और 4 ट्रेनी डॉक्टर का पॉलीग्राफी टेस्ट करने के लिए मंजूर दिए। साथ में आज मुख्य आरोपी संजय रॉय को और 14 दिन हिफाजत में लेने के लिए सीबीआई को पूछताछ के लिए कैसे इन्वेस्टिगेशन। आप अभी जो 4 ट्रेनी डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है, क्या अभी तक इनको हिरासत में लिया गया है क्या? नहीं, अभी 4 ट्रेनी डॉक्टर संदीप घोष को हिरासत में लिया नहीं है, लेकिन आगे जाकर इनका पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए कि उन जैसे तमाम 7 दिन से आज 8वां दिन है एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई पूछताछ कर रहा है। तमाम 150 से 160 क्वेश्चन उनको पूछा गया है लेकिन उनके सवाल के जवाब से संदीप घोष का जवाब से कहीं सीबीआई संतुष्ट नहीं है। दूसरी तरफ जो 4 ट्रेनी डॉक्टर्स है जिनको पूछताछ के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगा सीबीआई क्योंकि उस दिन रात को जिनके साथ पीड़िता ने डिनर किए थे साथ में सेमिनार हॉल से जबकि 2 उंगलियों की निशानी पाया जाने के बाद उंगलियों की निशानी फिंगरप्रिंट्स मिला है 2 ट्रेनी डॉक्टर का, ये सबसे बड़ा अभी का अपडेट है। ठीक है, तो देखिए अब ये माना जा रहा है कि इसके बाद ये जो 4 ट्रेनी डॉक्टर्स हैं इनको लेकर भी ये खबर मिल रही है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है ये इस मामले को लेकर कि संजय रॉय को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इस मामले को लेकर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि संदीप घोष से भी लगातार पूछताछ चल रही है। हालांकि अभी भी जिस तरह सीबीआई की टीम ने उससे 150 से 160 सवाल पूछे लेकिन अभी भी वो संदेह के घेरे में नजर आ रहे हैं और इसीलिए पूछताछ का सिलसिला आज भी चल रहा है। बिल्कुल।